प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में पहुंचकर गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों से कहा कि गोदाम में संग्रहित खाद्यान्न की बोरियों को रैंडम तरीके से चेकिंग कराई जाए, उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप हो, खाद्यान्न के निर्गमन में घटतौली की शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, गोदाम में पड़े डेड स्टॉक को नीलामी के माध्यम से निस्तारित करने के निर्देश दिए, मंडी में स्थापित क्रय केंद्रों के गेहूं क्रय की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल किया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने गेहूं क्रय का प्रचार प्रसार करते हुए गेहूं क्रय में तेजी लाने के लिए और किसानों को 100% भुगतान निर्धारित अवधि में करने का भी निर्देश दिया। बैठक में सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार सर, अखिलेश त्रिपाठी, DSPC गोरखपुर। नमस्ते सर, जिला प्रबंधक कृषि महाराज रमेश कुमार हमारे वहाँ इसको दो प्रोग्राम मुख्य रूप से हो रहे हैं गोरखपुर में सर। एक तो अभी हम लोगों का धान खरीद सब समाप्त हुआ है और उसके बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत लोगों का CMR